मैं बकुल राजपूत, मैं चाहता हूं कि आप INN 24 जरूर देखिए। नमस्कार, न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। झारखंड में भीषण सड़क हादसा, गुमला में ऑटो टेम्पो के बीच भिड़ंत में 12 की दर्दनाक मौत, 4 अन्य गंभीर रूप से घायल। और झारखंड में मकर संक्रांति की धूम, कोडरमा में विधायक ने लिया पतंगबाजी का आनंद, दूसरे जनप्रतिनिधि भी रहे मौजूद। कोडरमा के चंदवारा प्रखंड स्थित तिलैया डैम जलाशय के किनारे जिला प्रशासन द्वारा कोडरमा उपायुक्त संजीव कुमार बेसरा के नेतृत्व में भव्य पतंग महोत्सव प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बरवी विधायक मनोज कुमार यादव, जीप अध्यक्ष शालिनी गुप्ता के अलावा जिले के तमाम अधिकारी सहित हजारों की संख्या में जिलेवासियों ने इस पतंग महोत्सव प्रतियोगिता में भाग लिए। मौके पर उपायुक्त ने कहा कि भारतीय संस्कृति को लोगों के दिलों में जागृत रखते हुए मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर यह पतंग महोत्सव प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। वही विधायक ने कहा, जिले के उपायुक्त संजीव कुमार बेसरा ने कोडरमा को यादगार तोहफा पतंग महोत्सव के रूप में दिया है, जिसे जिले वासियों को बखूबी परम्परागत तरीके से आगे निभाने की जरूरत है। आने वाले दिन यह उत्सव एक बड़े मेले का रूप लेगा। डुमरी प्रखंड के जामताड़ा पंचायत में मलेरिया से बचने के लिए मेडिकेटेड मच्छरदानी का वितरण किया गया। मच्छरदानी वितरण कार्यक्रम को प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी अजय कुमार सिन्हा, पंचायत समिति सदस्य किरण देवी मुखिया, प्रतिनिधि खेमलाल महतो संयुक्त रूप से संपन्न किया। इस दौरान प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने मेडिकेटेड मच्छरदानी की महत्व को उपस्थित ग्रामीणों के बीच रखा एवं इससे अन्य सावधानियों को बरतने हेतु कई सुझाव दिए। वही पंचायत समिति सदस्य किरण देवी ने ग्रामीणों को, खास करके महिलाओं को, इस मच्छरदानी से होने वाले लाभ के बारे में बताया तथा इसे धोने के लिए विशेष टिप्स भी बताए। वही वह मुख्य प्रतिनिधि खेमलाल महतो ने बताया कि मेडिकेटेड मच्छरदानी से मलेरिया का प्रकोप ग्रामीण क्षेत्रों में कम फैलेगा। यह झारखंड स्वास्थ्य विभाग का बहुत ही अच्छा कदम है। इससे पंचायत के गरीबों में मलेरिया का प्रकोप नहीं आएगा, परंतु इसे सावधानी से उपयोग में लाना है। इस कार्यक्रम में कुल 500 मच्छरदानियों का वितरण किया गया तथा शेष अन्य लाभुकों को भी दिया जाएगा। मेडिकेटेड मच्छरदानी है, इसका गुण ये है कि बाजार में चीज नहीं मिलता है। 1000 रुपये भी दीजिएगा बाजार में नहीं मिलेगा। इसमें मच्छर 5 मिनट अगर सट गया तो मच्छर ऑटोमेटिक मर जाएगा। इसकी कुछ सावधानियां भी है, जो गर्मी में धूप में इसको नहीं सुखाना है, गर्म पानी से नहीं धोना है, सर्फ लगा कर रगड़ कर नहीं धोना है और मछली नहीं मारना है। अभी कितने लोगों को बांटा जा रहा है? अभी इनका 14 वार्ड है, 7-7 करके जामताड़ा में। अभी हमने इनको दिया है 1500। गिरिडीह में इन दिनों गिरिडीह कॉलेज के 2 प्रोफेसरों के साथ छात्र संघ चुनाव की रात ABVP के कुछ छात्र नेताओं के द्वारा हुई मारपीट का मामला तूल पकड़ा हुआ है। छात्र नेताओं के द्वारा हुई इस कृत्य को कई दलों ने छात्रों में गिरती संस्कार एवं मर्यादा का हनन बताया। वही कांग्रेस इस मामले में हमलावर ABVP कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी को लेकर जिला प्रशासन को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। इसी कड़ी में रविवार को जिला कांग्रेस की ओर से टॉर चौक पर रघुवर दास का पुतला दहन किया गया। इस दौरान अगुवाओं ने कहा कि सरकार की भी इस मामले में नैतिक जिम्मेदारी जरूरी बनती है, इसलिए सरकार के मुखिया का पुतला फूंका जा रहा है। मौके पर जिलाध्यक्ष नरेश वर्मा, पूर्व विधायक सरफराज अहमद, प्रदेश प्रतिनिधि नरेंद्र सिन्हा, संतोष राय, गोविंद तुरी, दुर्गा प्रसाद, सतीश केडिया आदि मौजूद थे। और ये आंदोलन बस यही पुतला दहन तक नहीं रुकेगी, अगर इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो उन्होंने जो अल्टीमेटम दिया है उस हिसाब से हम लोग की आंदोलन और आगे बढ़ेगी। कांग्रेस पार्टी चुप बैठने नहीं जा रही है, अन्यथा प्रशासन इनको गिरफ्तार करे। निश्चित रूप से इस बात से लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है और इनके MP MLA इनको बचाने में लगे हुए हैं। कुछ लोगों के आज बयान आया है कि उनके गलत किया है, तो भाई आप लोग खुल के बोलिए गिरफ्तारी की मांग क्यों नहीं करते हैं? अगर आप चाहते हैं, आप अगर जनता के प्रतिनिधि हैं सही में, तो आपको गिरफ्तारी के लिए दबाव बनानी चाहिए कि जो एक शिक्षाविद के साथ ऐसा घटना हुआ है।
इसके लोग काफी भर्त्सना करते हैं। निमियाघाट थाना क्षेत्र के इसरी बाजार थाना क्षेत्र के NH2 हाईवे बाईपास के पास शनिवार की शाम एक अज्ञात ट्रक की चपेट में आने से मालवाहक टेम्पो क्षतिग्रस्त हो गया तथा उसमें सवार 6 लोग जो इसरी बाजार शनिवारी हाट से धनबाद के कर केंद्र वापस लौट रहे थे घायल हो गए। घायलों में 2 की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल निमियाघाट पुलिस सभी घायलों को डुमरी के मीना जनरल हॉस्पिटल में भर्ती करवाए हैं जहां इलाज चल रहा है। चिकित्सकों के अनुसार 2 की स्थिति गंभीर है जिसे बाहर भेजने की तैयारी की जा रही है। घायलों में चंदन कुमार गुप्ता, रोशन कुमार गुप्ता, सुधीर रमानी, नीलू गुप्ता, महेश गुप्ता, नीलू कुमार सिंह शामिल हैं। वहीं सुधीर रहमानी और नीलू गुप्ता की स्थिति गंभीर बताई जा रही है जहां बाद में चिकित्सकों ने दोनों को रेफर कर दिया। पेशेंट है अभी सब धनबाद से आए हुए हैं, किंदवा डी बाजार है ना, तो ये लोग अपना मार्केटिंग करके वापस धनबाद की ओर जा रहे थे। GT रोड में चढ़े कलागी ओवरब्रिज ऊपर में अज्ञात 10 चक्कर ने धक्का मार के भाग गया। कितना लोग घायल है? 6 लोग घायल है, सबका इलाज मीना हॉस्पिटल में चल रही है और बाकी सब ठीक ठाक है। खबरों में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, खबरें भी और भी हैं। आगे की खबरें देखिए मेरी सहयोगी प्रीति सिंह के साथ। Keep watching INN24. Wish you lots of love and luck. For everyone, I Vidarbha. This is Sandesh Gohar and keep watching INN24. धन्यवाद पहली। झारखंड के जामताड़ा में पिछले एक सप्ताह से पड़ रहे ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोग जहां कड़ाके की ठंड से परेशान हैं, वहीं फसलों को भी काफी नुकसान हो रहा है। जामताड़ा के कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर संजीव कुमार ने किसानों को फसलों को बचाने के लिए अपनी सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि किसान कुहासे से आलू की फसल को बचाने के लिए खेतों पर आग जलाएं और धुआं फैलाएं, इससे आलू की फसल को नुकसान नहीं पहुँचेगा। किसान भाई चाहिए कि अपने खेतों में जो सिंचाई कर ले, नमी बनी रहेगी तो ठंड से ज़्यादा उनको दिक्कत नहीं होगा। जहां आलू की खेती किसान भाई ने किया है वहां पे शाम के समय में अलाव की व्यवस्था कर ले, जो भी उनके पास भूसा है या ये पत्ता होता है उसको मेड़ के चारों तरफ जला दें तो शाम में धुआं होने से ठंड से आलू को भी नुकसान नहीं होगा और ख़ास करके जो भी हमारी फसल है उसमें नमी बरकरार रखे किसान भाई। झारखंड ने तरक्की की राह पर लंबा सफर तय करना शुरू कर दिया है लेकिन लोगों के भूख मिटाने में अब तक कामयाबी नहीं मिली है। हर दिन 2 वक्त की रोटी से महरूम लोगों की तादाद में कमी नहीं आई है। इसका ताजा उदाहरण गिरिडीह के बुधनी सोरेन है। विकास की तेज रफ्तार ने बुधनी जैसे गरीब पर कोई भूमिका नहीं निभाई और भूख के कारण बुधनी ने दम तोड़ दिया। इसका इतना हालत ख़राब था, जो इसका 6 साल का जो बेटा है वो स्कूल जाता था पढ़ने के लिए तो उस जो खाना मिलता था वही खाना, मतलब माँ भी चली जाती थी उसी के साथ तो उसको भी खाना मिल जाता था और स्कूल अभी बंद हो गया है तो उसको खाना नहीं मिल रहा, इसी के कारण उसका मौत हो गया। घर में इसका कोई व्यवस्था नहीं? घर में इसका कोई व्यवस्था नहीं है, अनाज उनाज कुछ भी नहीं, अनाज कुछ नहीं है। थोड़ा सा धान होगा, वो धान तो धान कूटेगा तब नहीं होगा। घर में कुछ खाना नहीं था, अनाज नहीं था। हाँ, कैसे कुछ हो? कितना दिन से भूखी थी? 2-3 दिन से भूखी थी। इसके पास राशन कार्ड और आधार कार्ड है कुछ? कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है? नहीं। तो यहाँ के मुखिया कभी नहीं आए जानकारी लेने के लिए? नहीं, कभी नहीं आए। घर में खाने का कुछ नहीं है, अनाज पानी कुछ नहीं। अच्छा, ना राशन कार्ड है ना वृद्धा पेंशन, कुछ नहीं मिलता। कुछ नहीं मिलता है, कुछ का सहारा भी नहीं। तो यहाँ के मुखिया से कभी बात किए तो क्या बोले? वो पैसा मांग रहा था। मुखिया जी, किस लिए मांग रहा था पैसा? राशन कार्ड बनाने के। अच्छा, तो अनाज फिर कोई ला के दिया था? नहीं दिया, अपने कमाते खाते। क्या करती थी काम ये? हाँ। आइए बढ़ते हैं क्राइम की खबरों की ओर। बोकारो जिले के बेरमो प्रखंड के चंद्रपुरा थाना क्षेत्र में मोबाइल के लिए एक बच्चे की हत्या की खबर सामने आई है। शव तारमी कोलियरी से सटे जंगल से रविवार की रात बरामद हुई। बच्चे की पहचान चंद्रपुरा थाना क्षेत्र के नितेश गिरी के रूप में हुई है।
वह शुक्रवार शाम से ही लापता था। परिजनों ने चंद्रपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया था। पुलिस ने बताया कि गांव के ही नितेश के एक दोस्त ने एंड्रॉयड फोन के लिए उसकी हत्या कर दी। दोस्त ने पहले नितेश को विश्वास में लिया और उसे जंगल ले गया, वहीं गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने मृतक के मोबाइल फोन को ट्रेस किया और हत्या के आरोपी युवक को धर दबोचा। चंद्रपुरा थाना में एक मिसिंग कंप्लेंट लिखाया गया था। उस आधार पर छानबीन के दौरान पाया गया कोई मनीष नाम का लड़का है, इस पर शक जा रहा था कि वो किया इस तरह का। उसको बुला करके थाना में पूछताछ किया गया, थोड़ा दबाव दिया गया उस पर, तो वो बताया कि ये सारा चीज़ कबूला है वो, कि वो मर्डर किया है, कन्फेस किया है। उसको फिर उसी के कन्फेशन पर जाकर के बॉडी को रिकवर किया गया तारबीन। हत्या की वजह क्या? हत्या का वजह वही था, आपसी विवाद बता रहा है थोड़ा सा खेल में। गुमला में NH-33 पर बालू लदे ट्रक व टेम्पो में भीषण टक्कर हो गई, जिसमें एक ही परिवार के 12 लोगों की मौत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो के पर खच्चे उड़ गए। ऑटो में सवार 4 बच्चे 6 महिला सहित 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य लोगों को इलाज के लिए रिम्स भेज दिया गया है। घटना जिले के भरनो सदर थाना इलाके के जतरगढ़ी गाँव की है। सूबे के मुखिया ने सड़क दुर्घटना में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना जताई और घायलों के बेहतर इलाज के लिए निर्देश दिया है। वहीं घटना की सूचना पर जिला उपायुक्त, SP और थाना प्रभारी सहित कई पदाधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे व घटना का जायजा लिया। पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज कर जाँच में जुट गई है। एक्सीडेंट हुआ है, बहुत ही गंभीर, मतलब मौत, 11 लोगों का मौत हुआ और 5 को तो अभी रेफर कराया गया। बहुत दर्दनाक घटना है, पहली बार देखने के लिए इस टाइप को मिला है बरनो में। दर्शन भगत यहाँ का सांसद है, रोकने पर भी नहीं रुके। इतना बड़ा दुर्घटना हुआ फिर भी हम बड़ा दुर्घटना हुआ सोचिए कितना बड़ा दुर्घटना में उसको हाथ दिए, हम लोग का सांसद आया, हाथ देने से भी नहीं रोका। अब देखते हुए पार हो गया, अनदेख हो के जो है पुलिस ने कार्रवाई की और घटनास्थल पे पहुंचे। जो भी इंजर्ड थे उनके सही इलाज के लिए उनको रिम्स भिजवाने में उन्होंने मदद की। और बाकी जिन लोगों की मतलब मृत्यु हुई है, ये बहुत ही मतलब अफसोसजनक बात है, लेकिन उन सभी को फिर अस्पताल लाया गया है यहाँ पर, और आगे जो भी कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। गुमला में भरनो थाना क्षेत्र मंगलो गांव निवासी बादो कोटवार के पुत्र तवरेज खान को उड़ीसा, छत्तीसगढ़, देहरादून, दिल्ली समेत थाना के आपराधिक मामले में देहरादून पुलिस व भरनो पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार कर लिया। देहरादून के सब इंस्पेक्टर प्रतिभा देवी ने भरनो थाने में बताया कि अपराधी तवरेज खान दिल्ली में महिला बाल विकास वृद्ध समिति के नाम पर फर्जी NGO चलाता है, जिसके माध्यम से वह कई राज्यों की लड़कियों को काम दिलाने के नाम पर बड़े लोगों को लड़कियां सप्लाई कर उनसे मोटी रकम वसूल करता था। इस क्रम में उसने देहरादून के कुणाल सेठी व अमरजीत सेठी से 13 लाख रुपए लेकर उड़ीसा की एक लड़की को उनके हवाले कर देह व्यापार करवाया। इस अंतर्राज्यीय गिरोह में दिल्ली के रेणु तुरंग, उपेंद्र शर्मा और शकुंतला देवी भी शामिल हैं, जो लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर ब्लैकमेल करती थे और देह व्यापार के धंधे में धकेल देते थे। मामले का खुलासा तब हुआ जब उड़ीसा की दुष्कर्म की शिकार एक लड़की अपराधियों के चंगुल से निकलकर देहरादून पुलिस को सारे मामले की जानकारी दी। उड़ीसा की एक लड़की को दिल्ली में एक आदमी कहाँ काम करने के लिए रखा था, जहाँ पर उसके साथ बलात्कार हुई, तो उन लोगों से ये लोग जो है पैसा लिया और वह लड़की जो कमाई थी उसका भी पैसा रख लिया। ये प्लेसमेंट एजेंसी चलाती है और एक दिल्ली में एक NGO है, बाल विकलांग वृद्ध समिति, उसकी CEO है रेणु तुरा, तो वो इन्वे चलाती है। उसके मार्फत भी वो लड़की को काफी लोग एक्सप्लाइट किया और परेशान किया, और उसमें एक नाम आया था मंकू के तवरेज का, अनुसंधान क्रम में तवरेज का आया था। IV के द्वारा वो उसका पैसा गबन भी किया गया, चोरी भी किया, पैसा भी लिया गया। तो पुलिस समय देहरादून पुलिस आई और हमसे सहयोग मांगी, प्रयास करने के बाद सहयोग दिया और उस अपराधी को आज। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए INN24 के साथ। INN24 YouTube, Facebook और Twitter पर भी देख सकते हैं। वेब चैनल के लिए लॉगिन करें www.inn24news.in। नमस्कार।